आयुष युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने अनुसंधान संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति जोगिंदर नगर में आयुष विभाग और राज्य औषधीय पादप बोर्ड हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य एवं स्फूर्ति के सशक्तिकरण में राष्ट्रीय अश्वगंधा अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने आयुष वित्त चिकित्सालय जोगिंदर नगर में ऑस्टियो आर्थराइटिस और अन्य मस्कुलोस्केलेटल विकार की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और वायु मित्र योजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की हर्बल धरोहर को विश्व भर में पहचान दिलाने और लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए राष्ट्रीय अश्वगंधा अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभियान के माध्यम से अश्वगंधा की खेती, उपयोग और उसके लाभों के बारे में व्यापक जागरूकता की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के लाभों को देखते हुए सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा 140 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में तैनाती की गई है। आयुर्वेदिक विभाग को पूरे प्रदेश में हम अग्रणी संस्थानों के रूप में लेके आए और आयुर्वेदा का जो लाभ हर व्यक्ति को मिल सकता है, चाहे छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करने का काम जो है वो काफी आदिकाल से चला आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे युग परिवर्तित हो रहा है, आधुनिक युग की ओर हम आ रहे हैं, डिजिटल युग में आ रहे हैं, तो हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है उसको जो है लोगों में जो है उसका प्रचार प्रसार जो है वो कम हो गया है। लेकिन अभी आप पीछे कोरोना काल देखें, कई लोग जो है इसी आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा ही जो है फिर से जो है वो ठीक हुए। और आयुर्वेदिक जो हमारी दवाइयां हैं और जो योगा के माध्यम से जो है काफी हमारे प्रदेश में देश में जो मरीज लोग हैं काफी ज्यादा जो है अपनी बीमारी से जो है वो ठीक उभर के सामने आए। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुझे प्रदेश सरकार में आयुर्वेदिक विभाग की जिम्मेवारी दी है